नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र ग्रोवर और मैं हूं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट। ऑरा स्कैनर एक साइंटिफिक और डिवाइस है जिसे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट यूज करते हैं। पहले इस डिवाइस का यूज जो है अर्थ में मेटल, पानी, गैस, ऑयल को ट्रैक करने के लिए, सर्च करने के लिए यूज किया जाता था। अब एक न्यू लेटेस्ट डिवाइस है जो काफी समय से चलन में है, यह है ऑरा स्कैनर। इसकी इस डिवाइस की हेल्प से हम किसी भी पर्सन की बॉडी को चेक कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को चेक कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी कहाँ कहाँ ब्लॉक है। तो टॉप टू बॉटम के अंदर बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं हमारी बॉडी में जहां हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है। तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कहता है कि एक्सरे कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, सीटी स्कैन कराइए, तभी तो हमारे को बॉडी के अंदर का पता चलता है। तो ये भी एक स्कैनिंग डिवाइस है जिससे हम स्कैन करके अपनी एनर्जी के बारे में जान सकते हैं कि हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ ब्लॉक है। तो जैसे ही हमें पता चलता है और उसकी हम रेमेडी करते हैं, वो भी साइंटिफिक रेमेडी, तो उससे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। देखिए, आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को बहुत ऊंचा तक ले जाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी चाहिए, उसमें भी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। तो ये आएगा कैसे? ये आपका कोई दोस्त, कोई पड़ोसी या कोई ऊपर से भगवान को देनी देंगे कि लो जी तथास्तु दे दिया, उसके लिए तपस्या कर लो फिर। तो दोस्तों मुद्दा यहां उठता है कि ये सब चीजें हम पाएंगे कैसे? ये पाएंगे हम हार्डवर्क से। हार्डवर्क दो तरीके का होता है, एक होता है ब्रेन से और एक होता है मजदूरी वाला। मजदूरी वाला तो शाम को 200-500 रुपए कमाता है और इस तरीके से मजदूरी करता है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मजदूरी नहीं करते, वो दिमाग का यूज करते हैं, ब्रेन का यूज करते हैं, माइंड का। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि हर इंसान के ऊपर एक ऑरा होता है, एक 7 लेयर्स का। जैसे ये देखिए, एक अंडे की शेप का एक है, मैं एक शेप अंडे की आपको डिफाइन करके बता रहा हूं। एक शेप है, ये मल्टी कलर्स का एक ऑरा होता है जो हमारे इस तरीके से हमें कवर करता है। तो ये 7 कलर्स का ऑरा होता है। अगर ये ऑरा शेप में है तो इट्स मीन आपकी एनर्जी, आपका ऑरा स्ट्रांग है। और अगर ये कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कहीं इसकी शेप बदल गई, कोई डिफेक्ट है, तो हमारी एनर्जी भी ब्लॉक हो जाती है। तो हमारे 7 चक्रास भी ब्लॉक होते हैं जिससे हम हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं और वहां हमारी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। जबकि हमें करना क्या है, हमें उस चक्रास को ठीक करना है, तो हमारी वो बीमारी भी काफी हद तक ठीक हो सकती है। तो दोस्तों सारा एनर्जी का खेल है। घर की लाइट चली जाए तो हम रह नहीं सकते। अगर हमें कहा जाए कि घर की लाइट चली जाए और सारी जिंदगी लाइट नहीं आएगी, बिना लाइट के गुजारना है, जो आजकल गांव में भी लाइट है लेकिन इसके बिना गुजारना है, तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। या ऐसे कहा जाए कि हमें सारी जिंदगी जो है ना, एक मोमबत्ती दी जाएगी, रोज एक मोमबत्ती, हमें मोमबत्ती में गुजारा करना है, तो क्या पॉसिबल है मोमबत्ती की लाइट में, कैंडल लाइट में? नो। तो हम इस चीज को कैसे जाने कि हमारे ब्रेन की पावर कैंडल लाइट की तरह हो रही है? अगर वो कैंडल लाइट की तरह ब्रेन की पावर है तो आप ये मानिए कि जैसे रूम में जब आप कैंडल जलाते हैं, लाइट चली जाती है, तो हमें कोई चीज दिखती नहीं है, सब धुंधला नजर आता है। हाँ, नजर आएगा वहां चेयर पड़ी है, वो सामान पड़ा है, वो शोपीस पड़ा हुआ है, लेकिन वो धुंधला होगा, क्लैरिटी नहीं होगी। तो हमारे ब्रेन की पावर भी अगर ऐसे ही हो गई तो हमें क्या होगा, हमें अपना जो टारगेट है, जो हमारा उद्देश्य है, वो हमें धुंधला नजर आ रहा है, तो हम पहुंचेंगे कैसे? क्लैरिटी है नहीं ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कहां से? तो अगर हम स्कैन करा के ये जान लें कि ये क्लैरिटी कैसे आ सकती है, अगर पहली बात कि हमारा ऑरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो कितने परसेंट है, और ऊपर से लेके नीचे तक हमारे ऑरा यानी हमारी एनर्जी में कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, अगर हमें ये पता चल जाए और हम उसको सॉल्व कर लें, तो आप यकीन मानिए आप वो कर सकते हैं जिस चीज के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। आप जितने कामयाब लोगों की स्टोरी सुनते हैं या देखते हैं, तो आप चेक करिएगा, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भी अपना ऑरा स्कैन कराने गए थे, उन्होंने एक वीडियो में बताया था, वो कई कॉलेजेस के अंदर बता चुके हैं कि मैं जब गया तो वहां मैंने अपना ऑरा स्कैन कराया, तब वो एक मशीन हुआ करती थी, तो क्रिलियन कैमरे वाली जो वॉशिंग मशीन की तरह थी, तो उसमें जब उन्होंने अपना वो स्कैन कराया तो उनका जो ऑरा था वो 5-6 सेंटीमीटर था, यानी कि एक अंगूठे जितना बताते हैं। कहते हैं कि जब मैं वो मेडिटेशन और ये सब करके निकला 40 दिन के योगा से, तब बाहर निकला तो मेरा ऑरा काफी हद तक बढ़ चुका था। तो आप इस बात को कब समझेंगे, क्योंकि ऑरा के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसे ही अवेयरनेस आएगी, अभी क्या है, हॉस्पिटल की अवेयरनेस हुई तो डॉक्टर्स की अवेयरनेस हुई तो डॉक्टर के पास पहुंच गए, और मतलब अब मैं किसी चीज का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे मुंह में था,
लेकिन हम जहां जहां भी जाते हैं, जिस जिसकी अवेयरनेस होती है वहीं जाते हैं। तो थोड़ा स्टडी कीजिए, अपने ऑरा के बारे में जानिए और इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकते हैं वह जानिए। अपनी लाइफ को ऐसे ही ढोते रहेंगे, सर्वाइवल, टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली लाइफ, और लगातार फेल होते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम कामयाब होने की सोच ही नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आपको लगता हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और जगह जगह भटकने की बजाय एक बार हम अपना ऑरा स्कैन करा लें और उससे हम ये कंफर्म कर लें कि हमारा ऑरा अगर जो बता रहा है उससे हमारी कामयाबी कितनी दूर है, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो मंजिल दूर नहीं कि आपके सामने मंजिल होगी और आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। हाँ, मेरा YouTube चैनल है aurascannerjitender, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड मिलेंगी और इसी प्रॉब्लम से आप अपनी लाइफ को स्मूथली और हैप्पीनेस कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियोस के अंदर टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें लोग ये बताते हैं कि वो किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकला है। आप उन वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल के अंदर प्रॉब्लम कहाँ होती है और हम ढूंढ कहाँ रहे होते हैं। तो दोस्तों, फिर आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।